क्वेश्चन 27 देखिए, इसमें हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वेयर इंटू कोस पाई बाय फोर डिवाइड में साइन एक्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है यू डिवाइड बाय वी। अगर हमें डेरिवेटिव करना हो, देखिए फॉर्मूला देखिए, अगर हमें डेरिवेटिव करना हो यू डिवाइड बाय वी का, ओके, तो इसका क्या फॉर्मूला है, वी का स्क्वेयर हो जाएगा जो डिवाइड में क्या है यहाँ पर वी, तो वी का स्क्वेयर और ऊपर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन डी एक्स यू, और फिर माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। ओके, तो ये हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले इस गिवन फंक्शन को मैं एफ एक्स लेट कर लेता हूँ, लेट एफ एक्स इक्वल क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर कोश पाई बाय फोर, ओके, और डिवाइड में हमारे पास साइन एक्स। अभी मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो देखें डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास यहाँ पर कोस पाई बाय फोर है ये कोस्टेंट टर्म है, तो इसे मैं बाहर ले लेता हूँ, डेरिवेटिव करते हैं हम कोस्टेंट टर्म को बाहर ले सकते हैं। फिर हमें डेरिवेटिव किसका करना है, डी अपॉन डी एक्स, ऊपर बचेगा एक्स स्क्वेयर और नीचे हमारे पास क्या है साइन एक्स। ओके, अभी मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा डेरिवेटिव का। ओके, तो कोस पाई बाय फोर तो ये एज इट इज़ रहेगा बाहर, देखिए यहाँ अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो नीचे क्या है साइन एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर एक्स, फिर साइन एक्स एज इट इज़ हमें डेरिवेटिव के इसका करना है, ऊपर क्या है हमारे पास एक्स स्क्वेयर। ओके, और फिर माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ डेरिवेटिव किसका करना है हमें साइन एक्स का। ओके, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल कोस पाई बाय फोर एज इट इज़ रहेगा। ओके, और साइन एक्स ये भी एज इट इज़ है यहाँ पर और डिवाइड में हमारे पास जो साइन स्क्वेयर एक्स है ये भी एज इट इज़ है। ओके, तो देखिए एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, ओके, 2x माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ है, फिर एक्स स्क्वेयर साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। ओके, तो कोस एक्स ये हमने डेरिवेटिव कर लिया है। अभी मैं यहाँ से x को कॉमन ले ली, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी, डेरिवेटिव तो हमारा हो चुका है। अभी हम इस सॉल्यूशन को थोड़ा अच्छे से छोटा, ताकि एग्जामिनर को आसानी से समझ में आए, इसलिए हम थोड़ा अच्छे से एग्जाम, यहाँ पर x है यहाँ पर x है, कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वेयर है यहाँ पर, तो x इंटू कोस पाई बाय फोर। ओके, और अंदर क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास टू आगे लिख रहा हूँ ये साइन एक्स, और माइनस यहाँ पर एक एक्स बचेगा, एक एक्स तो हमने बाहर ले लिया, तो अंदर यहाँ पर क्या बचेगा एक्स इंटू कोस एक्स। ओके, डिवाइड में हमारे पास क्या है साइन स्क्वेयर एक्स। ओके, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।